क्या खुल चुका है सुला विनयार्ड्स? और अगर हाँ तो क्या है नए टिकट प्राइसेस? और इंस्टाग्राम के लिए सिर्फ कूल फोटोज निकालने के अलावा और आप क्या क्या कर सकते हैं सुला विनयार्ड्स जाके? चलिए आज आपको कराते हैं एक वर्चुअल वाइन टेस्टिंग टूर सुला विनयार्ड्स में। भाई हम सुला जा रहे हैं। अबे सुला, ओके तो सुला विनयार्ड्स है नासिक रेलवे स्टेशन से करीबन 20 किलोमीटर्स अवे, एंड सिंस दिस इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ नोवेयर, इट इज प्रेफर्ड कि आप यहाँ पे प्राइवेट व्हीकल से जाएं। तो हम पहुँच चुके हैं सुला, देखते हैं सुला है कि नहीं खुला, और देखते हैं अगर वाइन टेस्टिंग यहाँ पे शुरू हो। ये तो ग्रेप के पेड़ हैं बहुत छोटे छोटे। तो सुला और कौन सा था? सोमा। तो यहाँ पे दो फेमस वाइन यार्ड्स हैं, सुला एंड सोमा, अमोंग्स द अदर्स ऑब्वियसली, बट ये दो बहुत ज़्यादा फेमस है। सुला के बारे में तो ऑब्वियसली सबने सुना ही होगा। ओके तो पहुँच चुके हैं हम सुला वाइन यार्ड्स, और यहाँ पे हमने लिया है कूपन, जो रिचार्ज कूपन जैसा टिकट जैसा है 600 पर हेड का, जिसमें 6 वाइन टेस्टिंग करवाते हैं ये लोग और फैक्ट्री दिखाते हैं जहाँ पे वाइन प्रोडक्शन हो रहा है वो वाली। एंड वेल इन केस यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन वाइन टेस्टिंग, यहाँ पे और भी चीज़ें करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप यही 600 रुपये यूज़ कर सकते हैं सुला की गिफ्ट शॉप से गिफ्ट या सुवेनियर खरीदने को, या वाइन शॉप से एक वाइन की बॉटल खरीदने को। वाइन टेस्टिंग तेरे को करना पड़ेगा वरना पैसा पकड़ जाएगा, मतलब 6 नहीं करनी, भले एक दो ट्राई कर ले थोड़ा सा। 5 भी टेस्ट करेगा, एक मैं करूंगा। ना अभी 5 नहीं 12 है, 12 कम से कम, 2-3 कर ले, टेस्ट करना है वैसे भी थोड़ा। नहीं एक में 6 ना। चलिए वाइन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बहुत ही बेसिक क्लासिफिकेशन जो होता है वाइन का वो होता है रेड वाइन और वाइट वाइन। तो ये कलर हमारी वाइन में आते कहाँ से? वेल जब ग्रेप से जूस निकाला जाता है तो वो होता है कलरलेस, सो वाइट वाइन बन सकती है बोथ ग्रीन या ब्लैक ग्रेप से, वाइल रेड वाइन का जो रेड कलर होता है वो निकलता है ब्लैक ग्रेप्स की स्किन को डिस्टर्ब करके। जी नहीं, ये मेरा कोई पर्सनल नॉलेज नहीं है, ऐसे छोटे मोटे टिडबिट्स आपको बताता है आपका वाइन गाइड वाइन टेस्टिंग के टूर के समय, जो चलती है एक एक घंटे के बैचेस में, सुबह 11:30 बजे से वीकडेज पे 6:30 बजे तक और वीकेंड्स पे 7:30 बजे तक। सर वाइन टेस्टिंग ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे 600 रुपये एक आदमी के, उसमें हमें मिलते हैं 6 वाइन टेस्ट करने के लिए, एक वाइन के 2 सिप्स। यस, 2 सिप्स एक वाइन के, और उसके साथ वाइन टेस्टिंग के साथ दिखाते हैं ये फैक्ट्री, मतलब इस फैक्ट्री का टूर देते हैं हम लोग। ग्लास की इस साइड खड़े हैं अभी, अगर वाइन टेस्टिंग वाला सेशन में जब भी हम लोग जाएंगे इसके बाद, तो हम लोग ग्लास के उस साइड होंगे और फैक्ट्री दिखाएंगे। हालांकि शूट करने को अलाउड नहीं है फैक्ट्री में, या फिर वाइन टेस्टिंग जब होता है तभी। तो वाइन टेस्टिंग करने के बाद बताते हैं आपको कि क्या स्टेप्स हैं एक्चुअली वाइन पीने के, क्योंकि ग्लास भी एक पर्टिकुलर वे से पकड़ना होता है, तो वही सब सिखाते हैं, देखते हैं। While giving you a taste of 6 top quality wines produced in Sula Vineyard, आपका wine guide आपको बताता है about the history of Sula Vineyard, the right method to open a wine bottle, और तो और wine glass पकड़ने के basic etiquettes के बारे में। अब हम जा रहे हैं Sula की factory देखने, जहाँ पे currently ongoing processing कोई चल नहीं रहा उनके according, बट फैक्ट्री पूरी देखने मिल जाएगी, कैसे वाइन बनती है, कैसे ग्रेप्स को प्रोसेस करके वाइन बनाई जाती है। तो ये है सुला की फैक्ट्री जहाँ पे होता है वाइन का प्रोसेसिंग। बेसिकली ग्रेप्स को फर्मेंट किया जाता है, जितना ज़्यादा ग्रेप फर्मेंटेड है उतनी अच्छी वाइन वो मानी जाती है। तो ये सारे वो ड्रम्स हैं जिसके अंदर बनती है वाइन सुला में, बहुत ह्यूज ड्रम्स है ये। अपार्ट फ्रॉम द गिफ्ट शॉप एंड द वाइन शॉप, यहाँ पे है द सोर्स नाम का एक रेस्टोरेंट जहाँ पे आपको खाने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ओके तो जैसे मैंने कहा वाइन टेस्टिंग के हैं 4 गोल्डन रूल्स जो यहाँ पे वाइन टेस्टिंग सेशन के अंदर बताते हैं। पहला कि आपको वाइन को ग्लास के अंदर रोल करना है, मूव करना है,
दूसरा कि आपको वाइन को स्मेल करना है, ग्लास का जो रिम होता है अपर रिम, वो अपने नाक के पास लेके जाके वाइन को स्मेल करना है। तीसरा कि आपको वाइन को देखना है, वाइन के कलर को अप्रिशिएट करना है, वाइन के टेक्सचर को अप्रिशिएट करना है। और चौथा आपको फाइनली वो वाइन पीनी है, एक सिप लेनी है वाइन की और टेस्ट करनी है वही। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारी जगहें रखी हुई हैं जहाँ पे आप फोटो निकाल सकते हैं, तो वही कर रहे हैं हम लोग। चलिए राइड पे चलते हैं सुला की बॉटल्स लेके। सुला आए और वाइन की एक बॉटल भी नहीं खरीदी, ऐसा भला हो सकता है? यस, फिर आ गया था टाइम थोड़ी वाइन खरीदने का। द बिजनेस अकॉर्डिंग टू हिम गो फॉर द रोज वाइन और द वाइट वाइन। ब्रूट इज द वन कनोसर्स ऑफ वाइन जो पीते हैं, दैट्स सपोज टू बी अ ड्रायर वाइन, बट उसका बॉटल मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। सो डिसाइड किया है ये वाला लेने का, दैट्स कॉल्ड द ब्रेट ट्रॉपिकल। आई डोंट नो प्रोनाउंसिएशन राइट है कि नहीं, बट स्पेलिंग से तो वही लग रहा है। ब्रेट ट्रॉपिकल का 750 ml बॉटल मुझे पड़ा 1250 रुपीज़ में, विच वॉज वेल नॉट एज एक्सपेंसिव एज आई हैड एक्सपेक्टेड इट टू बी। और वाइन खरीदने का हमारा क्राइटेरिया था कि बॉटल कौन सी सबसे अच्छी दिखती है। सो दिस इज़ अ बॉटल जो जा रही है इस थैले में और अब खुलेगी घर पे। तो ये है सुला के विनयार्ड्स, बहुत सारा ग्रेप प्लांटेशन लगा हुआ है जैसे आप देख सकते हैं। सुला की 160 एकर्स की एरिया घुमाने के लिए आपको ऑन रिक्वेस्ट ऐसी गोल्फ कार्ट्स भी मिल जाएंगे। तो ओवरऑल आपको सुला देखने के लिए, वाइन टेस्टिंग टूर करने के लिए और मन करे तो मेरे जैसी थोड़ी उटपटांग हरकतें करने के लिए लग जाएंगे कम से कम 1.5 to 2 आवर्स। ओके, तो थैंक्स हिमांशु फॉर दिस। ये एक्चुअली सरप्राइज ही था मेरे लिए, मैंने एक्चुअली सुला ना एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो सुला भी कवर हो गया है, मेरा एक जो कवर करना था मुझे बहुत टाइम से, वो कवर हो गया सुला विनयार्ड्स। तो चलिए चलते हैं, कहते हैं अलविदा सुला विनयार्ड्स को।